छोड़ देंगे। आ जाओ। मैंने आज तक महल के बारे में हमेशा शानदार अल्फाज में ही तारीफ सुनी थी, मगर कभी देखा नहीं था। मगर किसी ने सच ही कहा था, इस महल की जितनी तारीफ करूं कम ही होगी। मुझे यकीन है कि तुम यहां मेरे महल की तारीफ करने नहीं आए। भजा फरमाया पाशा, मैं यहां आपके लिए अपनी सल्तनत की जानिब से एक पेशकश के साथ हाजिर हुआ हूं। कैसी पेशकश? खलील पाशा की कुर्सी और मिल्कियत में इतनी ज्यादा दौलत कर सोच भी नहीं सकते। यही सर उड़ा दूंगा, याद रखना। उड़ा ही ना दो, तुम उड़ाओगे नहीं कभी। हाँ इसहाक पाशा, कहीं खतरे में न पड़ जाए इसलिए, क्योंकि शहजादा ओरहान को उस्मानी सल्तनत का तख्त और हम आपको खलील पाशा के मनसब तक पहुंचा सकते हैं। इतनी मालो दौलत मिलेगी कि कभी सोचा भी नहीं होगा। आज खलील पाशा से बादशाह का सफीर मुलाकात के लिए आएगा, उसे अपनी बातचीत के नतीजे से मैं बाखबर करूंगा। हमारे साथ हैं या फिर नहीं है पाशा? ए खुदा, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे जल्द इस मुश्किल से निकाल दे। तू ही सबका मददगार है, मेरी मदद फरमा। आमीन। मुझे असल में महमद की फिक्र है, उसे मुझसे पहले अदरना नहीं पहुंचना चाहिए। मैं कभी भी अपना काम किस्मत पे नहीं छोड़ता शहजादे। महमद अदरना की ज़ियारत भी नहीं कर पाएगा, फिक्र ना करो। शानदार। Yalla!
किसने भेजा तुम्हें यहाँ? नहीं बताऊंगा मैं, कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने का? कैसे ये इल्म हुआ कि मैं यहाँ से गुजरने वाला हूँ? कैसे पता चला? इसका जवाब चाहिए। चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो, लेकिन मैं तुम्हें एक लफ्ज नहीं बताऊंगा, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। हर तरफ देखो, जाके देखो कहीं कोई जख्मी तो नहीं है। जल्दी करो, शाबाश। कोई नहीं मिला हमें। यह जरूर जानदार का काम है, उसे खबर मिल चुकी होगी पहले ही। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। लगता है जैसे खलील पाशा ने बाबा की मौत की खबर मेरी तरफ भेजी, काफिरों तक भी पहुंचा दी। क्या कुछ बुरा नहीं सोचना चाहिए हमें? यानी औरहान अदरना पहुंचने वाला ही होगा। तैयारी करो, हम निकलेंगे। हमारे पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी, जल्दी करो, हमें निकलना है फौरन। चलो चलो। Thank you.